अगर आपको एक बहुत अच्छी बैलेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, देन अब अनअकैडमी लाइट एक फीचर लेके आया है जिसमें अब आपको आप जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे उनमें टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है। और वो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे लेवल पे होंगी और उसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन भी होंगे और फ्री लाइव क्लासेस होंगी। मतलब आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसी टेस्ट सीरीज के डिपेंड आपकी जो लाइव क्लासेस वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उसमें उसका लाइव क्लासेस का कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं ये 50 लेंथ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, ठीक। PYQs भी होंगे इसमें। अगर आप इसको वो भी बहुत कम प्राइस में 399 पर ईयर आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, 399 पर ईयर, मतलब इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी है, इस पे आपको मॉक टेस्ट भी है, इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा, मतलब एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और आपका सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। ये आपका ईयरली 399 यानी 400 पर ईयर अप्रॉक्स आपको इतना पड़ेगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने लो कॉस्ट में आपकी ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक। आपको क्या करना है, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो आप अनअकैडमी लाइट फीचर्स ज्वाइन कर सकते हैं MAYANKSIER कोड यूज करके। आप इस कोड को यूज करके आप अनअकैडमी लाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मोहित शर्मा, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो फटाफट सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे, जितने भी छात्र सुबह आ रहे हैं, ठीक है, वो अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही साथ में ये क्लास उन बच्चों के लिए ज्यादा डेडिकेटेड है जो इंडियन कोस्ट गार्ड का भी एग्जाम देने जाएंगे। अप्रॉक्स में 20 के आसपास आपको मॉक टेस्ट करा दूंगा, देन आपको टॉप 500 क्वेश्चन की भी सीरीज आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो फटाफट सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे। आदित्य चलो चलो भाई आ जाओ। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बताओ भाई पहला क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, पहला क्वेश्चन दिया है ताप को निम्न में से किस व्युत्पन्न मात्रक के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी कौन सी ड्राइव्ड क्वांटिटी से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आपको बताना है किसको, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनमें टेम्परेचर आता है, और जो खुद फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको जो है हम ड्राइव नहीं कर सकते। ड्राइव का मतलब फंडामेंटल से कुछ नया बनाना, यानी मूल राशियों से कुछ नई राशियां बनाना ही फंडामेंटल क्वांटिटीज से आपकी ड्राइव क्वांटिटीज बनाने के बराबर है। चले बात ध्यान समझिए,
सपोज इट इज टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर तो भैया ताप है, और ताप को हम किसी चीज में नहीं बदलते। जैसे मैं कहूँ किलोग्राम, तो बताओ किलोग्राम किससे मिलकर बना, किसी से नहीं, किलोग्राम तो किलोग्राम। लेकिन अगर मैं ये कह दूं न्यूटन, तो न्यूटन भैया मिलके बना है, न्यूटन बना है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मिलकर बना है। कहने का मतलब है जितने भी ड्राइव्ड होते हैं, जितने भी यूनिट्स, जैसे आपने सुनी जैसे जूल है, अन्य सारी चीजें जैसे शक्ति के लिए आपकी वाट है, तो ये सब ड्राइव्ड यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल से मिलकर बनती हैं, जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। नेक्स्ट आइए, तो आंसर होगा भैया यहां पर डी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, बी को लॉक कर दिया जाए। अच्छा, डी को लॉक किया जाए। क्या देना चाहते हो तो दे दो, देव बोल। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें थोड़ा सा आर्सेनिक मिलाने पर इसकी वैद्युतशीलता क्या होती है? अब देखो, आर्सेनिक और एंटीमनी मिलाने पर एन टाइप प्रोडक्ट बनता है, यानी एन टाइप अर्धचालक बनता है, और एन टाइप अर्धचालक में जो इसकी कंडक्टिविटी होती है, जिसकी जो चालकता होती है, इसकी जो क्या होती है चालकता होती है, वो क्या होती है, बढ़ती है एन टाइप में। और एल्युमिनियम मिलाने पर क्या बनता है, पी टाइप, और पी टाइप होने पर इसकी चालकता घटती है। तो कह रहा है आर्सेनिक मिलाने पर चालकता क्या हो जाएगी, तो चालकता बेटा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नोट करते हैं, चलो भैया बी नंबर। चलो नेक्स्ट, सात है वोट आए खाली, पोल दे रहा लड़का, वो सात है लोग वोट कर ही नहीं खाली है, बाकी तो हमें लग रहा आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, है? क्यों आशीष? चलो नेक्स्ट देखो बेटा, लिखा है परमाणु बम, छोड़ते तो नहीं हो तुम लोग, परमाणु बम विस्फोट में क्या क्या होता है, यानी उसका कारण क्या है, किसके रीजन की वजह से होता है। दो बम होते हैं आपको बताना चाहिए, एक परमाणु बम और दूसरा होता है बेटा हाइड्रोजन बम, दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन बम। ठीक है, दो बम होते हैं। चलो बताओ इसमें, छह साल लोगों ने वोट अभी भी किया इसमें, देखो ध्यान से, परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन, यानी जो नाभिकीय विखंडन है यानी न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो परमाणु बम में होता है, और जो संलयन है वो हाइड्रोजन बम में होता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन किस में होता है, हाइड्रोजन बम में होता है। चले नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या लिखा है, लिखा है हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा संक्रमण सबसे कम आवृत्ति का फोटोन, सबसे कम आवृत्ति का फोटोन उत्सर्जित करता है। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या होगा, आप सॉल्व करते रह जाओगे, सिर्फ आप इसमें आंसर याद अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी इसको सॉल्व करोगे तो लेंथी प्रोसेस इसका है। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। चलो क्या अरे पोल ओल ना दियो इस बार, अच्छा इस बार 16 वोट हो गए, दियो दियो दियो। अच्छा लड़कों को जो आता है उसमें वोट करते हैं, जो नहीं आता है उसमें कद्दू वोट नहीं करते हैं। चलो देखो ध्यान से, बना रहोगे? चलो देखो, लिखा क्या है यहां पर, लिखा है दो ससंजक एक वर्णीय प्रकाश किरणों की तीव्रताएं आपको दी हैं। कहने का मतलब है कि आपको दो तीव्रताएं दी गई हैं,
एक दी गई है आई और दूसरा दी गई है फोर आई, क्लियर है। इनके अध्यारोपण से उच्चिष्ट और निम्निष्ट, क्या उच्चिष्ट और निम्निष्ट, उच्चिष्ट और निम्निष्ट संभव तीव्रताएं चाहिए। क्या होता है उच्चिष्ट और क्या होता है निम्निष्ट, पहले इस बात को समझेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। उच्चिष्ट के लिए फॉर्मूला लगेगा आई मैक्सिमम का और निम्निष्ट के लिए फॉर्मूला लगेगा आई मिनिमम का। कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, मैक्सिमम का मतलब ऐड करना और मिनिमम का मतलब आपका घटाना। तो आई मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, रूट आई वन प्लस रूट आई टू, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल ऑफ स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब बच्चा ध्यान से समझना, जो आई है वो रूट आई रहेगा, जो फोर फोर आई है वो टू रूट आई हो जाएगा। यानी अगर आप इसको बाहर निकाल के लाओगे तो आई मैक्सिमम के लिए आ जाएगा रूट आई प्लस में टू आई और नीचे आ जाएगा आई माइनस का टू आई, टू रूट आई, और ये स्क्वायर भी है। अब मेरे लाल मेरे पीले इस बात को बताना, दो एक कितना हो गया तीन, तीन का स्क्वायर करोगे नौ आई आ जाएगा। यहां पे बेटा दो में से एक गया तो कितना बचेगा एक, एक आई में से एक आई को अगर डिक्रीज कर दोगे क्या बचेगा आई। धन्यवाद, चलिए नेक्स्ट, क्या हो गया भाई समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहो तो नोट कर लो, चाहो तो बेटा नोट कर लो। आदित्य चलो ये क्वेश्चन हो गया। लिखा है वैद्युत चुंबकीय तरंग के कंपित वैद्युत एवं चुंबकीय सदिश निर्देशित होते हैं, बताइए कैसे, जल्दी बताओ। तो बेटा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत दिशा में होते हैं, कलांतर इनका क्या होता है, जल्दी बताओ। वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत और चुंबक के लिए जल्दी बताओ, समान कला में होंगे, परस्पर लंबवत दिशा में, कलांतर 90 होगा, एक ही दिशा में होंगे, एक दिशा में तो नहीं हो सकते परस्पर लंबवत दिशा में, लेकिन समान कला में। चलिए अच्छा ये समान कला का मतलब जानते हो, व्हाट इज द समान कला, समान कला का मतलब पोजीशन, कला मतलब फेज, जैसे आप कहते हो फेज वन फेज टू फेज थ्री, दैट मीन फेज टू, इसका मतलब क्या है, यू क्लियर द रिटन एग्जाम एंड प्रिपेयर फॉर रनिंग एंड ऑल, और फेज थ्री दैट मीन यू क्लियर द फेज टू एग्जाम, दैट मीन यू क्लियर द रनिंग एंड यू अपियर इन मेडिकल एग्जाम। बात समझ पा रहा हूं, कहने का मतलब है फेज डिफाइंड योर पोजिशन, फेज डिफाइंड योर पोजिशन नॉट ए एंगल, क्लियर है। तो फेज बेटा किसको डिफाइन करता है, फेज आपका डिफाइन करता है किसको, आपकी पोजिशन क्या है, आपकी क्या कहते हैं, कहने का मतलब है आप किस पोजिशन पे हो, दैट इज कॉल्ड फेज, नॉट है। आप ये नहीं कि मतलब फेज समान है तो आप एक ही डायरेक्शन में, फेज अपोजिट है तो आप अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, क्लियर है। चलो तो अब इसका आंसर ध्यान से करना, ये नहीं कि सीधे बिना कुछ करे कर दो। चलो बताओ बेटा आंसर, सब देखो मुझे पता था तुम लोग यही दोगे डी दे रहोगे बहुत से लोग, लेकिन आंसर हो जाएगा बेटा सी नंबर, परस्पर लंबवत तो रहते ही है लेकिन इनकी पोजीशन सेम रहती है, मतलब जितना लंबवत में जितना वैद्युत तरंग इस डायरेक्शन बढ़ रही है उतना ही चुंबकीय तरंग इस डायरेक्शन बढ़ रही है, यानी दोनों का जो है मीन्स बेटा दोनों का सेम है। चलिए क्या आ रहा है सबसे ज्यादा, पोल खत्म कर दिया करो, चलो देखो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव नेत्र का फोकस करते हैं, मानव नेत्र को फोकस करते कैसे, बताइए भाई जल्दी। मानव नेत्र का फोकस करते हैं, कम ऑन, बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ा करो उसके बाद आंसर किया करो, ये नहीं सिर्फ लगाए जा रहे हो ए बी सी डी, इससे बेटा कुछ नहीं होगा।
ठीक है, करो फटाफट, चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ तो भाई हो गया, माउस लेते रहो लाइफ में, देखो है कि नहीं, और जो क्वेश्चन पूछे उसको क्या करते रहो, बताते रहो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अब लड़का लड़की पूछेगा तुमसे, अब इस दूसरे टाइप के लोग पूछते तो बात अलग की है। देखो ध्यान से, बच्चा आंसर होगा मानव नेत्र का, मानव नेत्र फोकस करते किसकी वजह से, नेत्र ताल की धरातल की वक्रता की वजह से, यानी आपके नेत्र में जो अंदर धरातल है उसकी वक्रता क्या, उसकी कर्वेचर क्या, उससे आपका फोकस पॉइंट मिलता है, उससे आप फोकस कर पाते हो किसी भी चीज को। क्लियर हो रहा है, चलो नेक्स्ट देखो। समंजन क्षमता का नाम सुना है, समंजन क्षमता का नाम, समंजन क्षमता क्या होती, किसी भी चीज को बार बार फोकस करना। तो ये आपकी हड्डी है, ये जो हड्डी है आपकी, जो मांसपेशी है, उससे समंजन, जब भी किसी को चीज क्लियर नहीं होती आप ऐसे देखते हो, तो वो भी समंजन क्षमता आपके कितना धरातल में क्या वक्रता है, क्या कर्वेचर है, उस पर डिपेंड करती है। क्लियर हो रहा है, चलो। सुबह एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि भैया कोर्स कितने दिन में खत्म कर सकते हो, अगर देखो हमको खिलाई खिलाते रहोगे बढ़िया, मतलब पूरे दिन खाना दो और सिर्फ पढ़वाओ, तो एक दिन में कोर्स हम खत्म कर सकते हैं, एक दिन में, मतलब अप्रोक्स अगर आप ऐड करोगे तो करीब 14 घंटे में कोर्स खत्म कर देंगे, 14 से 15 घंटे में। लेकिन शर्त यह है आप कुछ लिखेंगे नहीं, आप कुछ लिखेंगे नहीं, बाकी सब मैं पढ़ा दूंगा। तो कोर्स खत्म करना एक अलग पॉइंट है, आपको पढ़ाना एक अलग पॉइंट है। अगर आप सोचो रियल में आपको फिजिक्स आ जाए तो अप्रोक्स कम से कम 6 महीने का टाइम आपको लगेगा, कम से कम 6 महीने। टेस्ला किसके तुल्य, मैंने पढ़ाया बेटा एक टेस्ला, अगर आपको याद नहीं है तो एक तसले में कितना घोष, ये याद करेंगे तो 10^4 घोष, एक तसले में बेटा कितना घोष, 10^4 घोष। अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एक घोष में कितना तसला, 10^-4 तसला, बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, ये रहा बापू लेवल। कौन सा लेवल, बापू का भी बाप लेवल है ये। चलो आओ आओ, चलो नेक्स्ट। चुंबक के साथ कहते हैं चुंबक के साथ बदतमीजी करेंगे इस क्वेश्चन में, काटेंगे उसको, लेकिन किसी चीज को काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, अरे काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, लेकिन हम लोग तो काटेंगे ना, तो भैया आराम से काटना, उसके लोग ना जाए नहीं लगेगी, दैट्स अ चुंबक, ये चुंबक है जी भैया, That's a pole, जी भैया ये क्या है, पोल है, अबे कौन सा पोल बता दो भैया, वो ये वो वाला पोल है, कौन सा पोल जिसपे डांस करते हैं, नहीं, ये बच्चा कैप्टन है जी भैया। इसमें दो एम दिए हैं, वॉट इज द एम, पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ है, क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, क्लियर है, कैपिटल एम, कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, स्मॉल एम ये है, कैपिटल एम ये है। अब मैंने क्या करा कि इसको दो टुकड़ों में काट दिया,
तो भैया स्मॉल एम में तो कोई चेंजमेंट नहीं, पर कैपिटल एम आधा हो गया इस केस में जब मैंने पहले ऐसे काट दिया। लेकिन फिर मैंने ऐसे काट दिया बेटा, और इस केस में स्मॉल एम भी आधा हो गया और कैपिटल एम भी आधा हो गया। मेरी बात समझिएगा, कैपिटल एम आप कैसे भी काट दे, वो बाप है, पिता है, बात समझ रहे हो। छोटे लड़के और बड़े लड़के में लड़ाई होगी, दोनों में से किसी को चोट लगेगी, दिक्कत परेशानी किसको सहनी पड़ेगी, पिताजी को। तो बेटा कैपिटल एम तो वैसे आधा हो गया, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन अगर स्मॉल एम से कट जाएगा तो स्मॉल एम आधा हो जाएगा, अन्यथा स्मॉल एम आधा नहीं होगा, स्मॉल एम आधा नहीं होगा। क्लियर है? चलिए क्लियर हो रहा है। ठीक, चलो देख अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। लिखा है वह उपकरण जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता, जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता कहलाता है, बताइए, बताओ। अब अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर तो भैया मोटर काम नहीं करती, क्या काम नहीं करती? मोटर काम नहीं करती, क्या नहीं काम करती? आओ कुछ, कौन नहीं काम करता? मोटर काम नहीं करती। प्रेरण कुंडली, टेस्ला कुंडली, ट्रांसफार्मर, ऑल वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस, सभी के सभी अन्योन प्रेरण पर काम करते हैं। बोलिए बात समझ आ गई। व्हाट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर इसकी बात करें, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब खुद से प्रेरित होना, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब दूसरे से प्रेरित होना। बोलिए बात समझ आ रही। बगल वाला कुछ कर रहा, आप प्रेरित हो रहे हैं तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस है। आप खुद कुछ कर रहे हैं और खुद से प्रेरित हो रहे हैं, वो सेल्फ इंडक्टेंस है। वो क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। बोलिए बात समझ आ रही नहीं आ रही? कुछ चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? कुछ चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहां देखेंगे बेटा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया बेटा वैद्युत फ्यूज तार के लिए क्या असंगत है? व्हाट इज द इमेटरल फॉर एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो फ्यूज तार है उसके लिए क्या मतलब, इसमें से ऑप्शन गलत है। ठीक है, ध्यान समझना। अब एक बात समझना, असंगत कहने का मतलब है किस पे कुछ करें इफेक्ट ना पड़े। तो फ्यूज तार की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या, डजंट मैटर, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। वो बना किसका है, इससे फर्क पड़ता है। तो भैया लंबाई क्या है, हमसे कोई मतलब नहीं। विशेष वृत्तों से पड़ेगा, अर्धव्यास से पड़ेगा, इनमें से प्रवाहित धारा। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहां पर सी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ बेटा। एक समान सेल 2 ओम के प्रतिरोध एक समान धारा प्रवाहित करने के लिए, चाहे वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हो या समांतर क्रम में, आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? उसी प्रतिरोध के बराबर आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2 ओम। आंसर हो जाएगा बेटा 2 ओम। क्लियर हो रहा है? आंसर हो जाएगा 2 ओम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जब संधारित्र में परावैद्युत वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक के पदार्थ रखा जाता है तो धारिता कितने गुना बढ़ जाती है? तो धारिता भैया के गुना बढ़ जाती है। धारिता कितने गुना बढ़ जाती है? धारिता के गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट,
बधाई है। बताओ, लगाए एक तनी हुई डोरी के कंपनों का परीक्षण करने वाला उपकरण कौन है? तो तनी हुई डोरी में जो परीक्षण करा जाता है वो किससे होता है? सोनोमीटर से। किससे होता है बेटा? सोनोमीटर से होता है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, अप्रगामी तरंग में प्रस्पंद वे बिंदु हैं जहां, अप्रगामी तरंग में प्रस्पंद वे बिंदु हैं जहां, बताइए। वे बिंदु हैं जहां, हाँ तो भैया अब ये बात आपको नहीं पता होगी, आप भूल जाते होंगे, मैं आपको बताता हूं। दो चीज होती हैं, प्रस्पंद और निष्पंद। प्रस्पंद और निष्पंद, कहने का मतलब है एंटी नोड और ये होता है भैया नोड। आप कुछ इस प्रकार बात समझिए, ये चित्र से आपको समझ में आएगा, जो ऊपर है वो अच्छी बात है तो ये प्रस्पंद है, जो नीचे है वो गंदी बात है इसका मतलब वो निष्पंद है। साफ सुथरी बात भाई, जो ऊपर है वो प्रस्पंद है, जो नीचे है वो निष्पंद है। अगर इतनी सी बात समझ में आ रही समझ लो क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा जहर तो दुनिया खिला ही रही है। वापस आओ, कुछ नहीं करना। लल्ला एक बात बताओ जी भैया, क्या ये कभी ऐसा नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा, इस पे यहां प्रेशर पड़ा है तभी तो ये नीचे आया है। तो कहने का मतलब है, कह रहा है कि प्रस्पंद वे बिंदु हैं, हाँ भैया वो बिंदु हैं। अच्छा बताओ, यहां दाब ज्यादा है ना तभी तो ये नीचे आ गया, यहां दाब क्या है? कम है। यहां प्रेशर कम है, यहां प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो प्रस्पंद वे बिंदु हैं जहां दाब क्या होगा? दाब न्यूनतम होगा। ढूंढो ढूंढो न्यूनतम दाब वाला, ये महत्तम दाब वाले दो खत्म हो गए, न्यूनतम दाब वाला। अब भैया विस्थापन बात करो, अच्छा बताओ ये अच्छा या ये अच्छा? भैया प्रस्पंद अच्छा, सुनने में अच्छा लग रहा, तो चीज अच्छी है तो भैया विस्तार करेगी, फैलेगी तो विस्थापन ज्यादा होगा, क्या होगा? ज्यादा होगा, ऐसे याद करवा रखा हमने। तो अप्रगामी तरंग में प्रस्पंद वे बिंदु हैं जहां पर महत्तम विस्थापन और न्यूनतम दाब होता है। आंसर बेटा क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। पढ़ाई में ध्यान दो बेटा। क्यों बेटा? हो गया, बोले ये वाला देखिए कैसे करेंगे। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक स्वरित्र बज रहा है, उसकी आवृत्ति ये है, छह विस्पंद पहले निकल रहे, प्रति सेकंड निकल रहे, मोम लगा के भारी कर दिया। देखिए जब भी फ्रिक्वेंसी होती है तो उसके साथ ये होता है कि वो बढ़ती और घटती है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको जो फ्रिक्वेंसी नई वाली मिलेगी वो पुरानी वाली में एन प्लस एक्स, एक्स मतलब नंबर ऑफ बीट्स यानी विस्पंदों की संख्या। तो 384 में अगर आप बेटा क्या 384 में बेटा क्या ऐड कर दोगे? चार, बाद वाला अगर ऐड कर दोगे या सॉरी छः ऐड कर दोगे, पहले वाला ऐड कर दोगे, तो
तो आपको कितना 390 मिलेगा, कितना मिलेगा 390 मिलेगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर 390। यानी जो पहले वाली आवृत्ति उसके साथ जो विस्पंदन है उनको ऐड कर दो, वही शुद्ध मान लगभग आपको मिल जाएगा। चलिए इस बार बहुत लड़के आउट हुए हैं अपने यहां से, पर बहुत कम लड़का आउट हुआ है। देखो, बहुत उच्च ताप को नापने के लिए किस मीटर का प्रयोग करते हैं? तो बहुत अधिक उच्च ताप को नापने के लिए बेटा पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये बेसिकली जर्नल साइंस का क्वेश्चन है, ये ग्रुप ग्रुप डी में या थोड़े से जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनमें बेटा पूछा जाता है साइंस में। ठीक है, एक वस्तु का ताप 140 फॉरेनहाइट है, इसका मतलब सेंटीग्रेड में इसकी वैल्यू कितनी होगी? 140 फॉरेनहाइट का मतलब जानते हो सी बाई फाइव एफ माइनस 32 बटे 9। एफ की वैल्यू 140 यहां रख दोगे, सी की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे लगभग 60 डिग्री के आसपास आएगा। लगभग क्या बेटा? 60 डिग्री के आसपास ही वैल्यू निकल के आएगी। चलो क्लियर हो गया, अब सॉल्व कर लेना। अब भाई हम सॉल्व नहीं करेंगे, देखो फेवरेट मलाई ये रखी भैया, मलाई है इंपॉर्टेंट है, रख लो, आएगा पेपर में 100%, चाहे इधर से पृथ्वी उधर हो जाए 100% आना है। भैया ने कह दिया आएगा, चाहे बापू लेवल आज कुछ भी फंसता है यहीं से, फंसेगा यहीं से, गारंटी है। ये कॉन्फिडेंस कह लो, ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, छह चीजें बता देंगे, उससे बाहर अगर आ जाए तो कहना 21-21 नंबर लड़कों के आए। वो लड़का उस दिन आया था 21 नंबर आए थे उसके, बताया था ना 21 नंबर बेटा, 21 नंबर 22 नंबर। अब इंटरव्यू देखो हम इसलिए नहीं कराते, 21-22 हो गए हमारे लिए कम। जिस दिन 25 से 25 ठोकोगे, जिस दिन 25 से 25 ठोक दोगे, 5000 रुपए का नगद इनाम मेरी तरफ से, 5000 रुपए का नगद इनाम, चाहे वो बच्चा कहीं का भी हो। अब इतनी बड़ी बात मैं नहीं बोल सकता, मैथ में तो हर तीसरे लड़के 25-25 आ रहे हैं। मैथ का कोई वो नहीं है, मैथ बहुत लोग हैं, हमने देखा जितने टीचर हैं लगभग सभी लगा रहे हैं 25 में 35 मैथ में। तो 15 नंबर राइटिंग का है ना, वापस आओ देखो ध्यान से लिखा गया बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, सिंह का ताप जब 500 केल्विन है तब कार्नो इंजन की दक्षता 1/2 यानी 50% है, यानी 1/2 50% का मतलब 50/100 करते भैया था। 1 माइनस का T2 सिंह का ताप यानी 500 और T1 की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। इधर आ गया 500/T1 और बेटा ये आ जाएगा 1/2, एक में से घटेगा 1/2 तो 1/2 आएगा, तो T1 का मान बेटा कितना आ गया 1000। T1 का मान कितना आ गया? इसने कहा कि ताप को नियत रखकर, मतलब टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखकर, अगर आप टेम्परेचर को बच्चा कॉन्स्टेंट रख दोगे तो इसका मतलब जो सोर्स का टेम्परेचर पहले था वो अभी भी सोर्स का टेम्परेचर होगा, एंड यू फाइंड द सोर्स टेम्परेचर इज 1000 केल्विन, यानी 1000 केल्विन आपने फाइंड किया है। और यहां अगर आपने 1000 केल्विन फाइंड किया है तो यहां पर कह रहे हैं कि भैया बताओ इंजन की दक्षता 60 करने के लिए सिंह का ताप कितना करना पड़ेगा? 60/100 काट दिया, 1 माइनस का T2 की वैल्यू निकालनी है ना। अरे गधो, T2 की वैल्यू निकालनी है, हाँ भैया निकालनी है, और T1 की वैल्यू कितनी है 1000। जी भैया इसको काट दिया, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, 3/5 ही बेटा इधर हो गया, बराबर में 1 - T2/1000 हो गया। और मेरे शेर मेरे चीते, T2/1000 इधर धर लो, 1 - 3/5 कर लो, 5 इधर गया 2/5, और 5 से काटेंगे बेटा इसको कितना आ जाएगा जल्दी बोलो, अरे बोलो 200, और T2 बराबर कितना 400, कितना 400। अरे भैया मजा दिला दियो आप तो, मजा ना आए ना तो पैसा वापस। फंसा दसत कहीं कुछ नहीं ना, फंसे कहीं से पढ़ लो, चाहे कहीं से पेपर फंसेगा यहीं से,
स्पेशलिस्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स। चलो नेक्स्ट देखो, लिखा है दो कांच की प्लेटें हैं जो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखी हैं कि उनके मध्य थोड़ा सा पानी चला गया। इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, इसका कारण क्या है बताइए। आपने देखा होगा कभी कटोरी में कटोरी फंस जाती है जब मम्मी कभी बर्तन धुलती है, या प्लेट में प्लेट फंस जाती है, उसका रिस्क आप उसमें पानी की लेयर चली जाती है, तो उसको आप अगर ऐसे निकालोगे तो कितने भी खाली होगे निकलेगी नहीं। जब आप उसको ऐसे घुमाओगे यानी जो उसमें सरफेस टेंशन है जब उसको तोड़ दोगे तब जाके बेटा वो निकलेगी, तो वहां बुद्धि लगती है बल नहीं, तो आंसर होगा बेटा वो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बेटा, इसी प्रकार आपके पेपर में प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा यार लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये मलाई लो। फिर दो कोफ्ता दे दिया आज भैया, पेपर में आएगा 100%। अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन देख लिया तो वो ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कभी सास अपने दामाद को घर से भूखा नहीं भेजती, उसी प्रकार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बिना पेपर में डाले नहीं भेजता। और हम कंप्यूटर महोदय से कहेंगे इस पंखे को थोड़ा सा घुमा दें इधर, ताकि जो है हमारी गर्मी की समस्या सॉल्व हो सके और बाकी बच्चों को भी थोड़ी ठंडक पहुंचे। शाबाश, धन्यवाद। चले कंप्यूटर महोदय से मिलना चाहोगे, रुक जाओ, जब 100 पार हो जाएंगे तब एक दिन तुम्हें कंप्यूटर महोदय से मिलाएंगे। और बड़ा योग्य बच्चा है कंप्यूटर महोदय, जिनको हम कह रहे हैं बड़ा योग्य व्यक्ति है, चलो मिलाएंगे। देखो बच्चा, लिखा है वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि करने के लिए आवश्यक बल चाहिए कितना होगा, ध्यान से बताइए। नॉर्मल क्वेश्चन है, हो जाएगा। y बराबर f अपॉन a, y बराबर f अपॉन a डेल्टा l अपॉन l। कुछ दिन पहले की बात है, योग्य बच्चों को देख के बेटा मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। एक लड़का था, उसने नया चैनल चालू किया था ब्लॉग में, नाम हम तो याद बहुत कम ही लोगों के रख पाते, भूल जाते हैं ना, आदत है। तो उसने पूछा कि भैया हम आपकी अगर वीडियो में से क्वेश्चन निकाल के डाल दें तो क्या आपको कोई दिक्कत, जैसे नहीं आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग करके बनाते हैं। मैंने उसको PDF दे दी, मैंने कहा जा वीडियो से क्या निकालेगा, मैं तेरे को PDF दे रहा हूँ, ले PDF से जाके क्वेश्चन बना। ज्ञान का क्या ना बेटा, विस्तार होना चाहिए। अगर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, आप योग के हैं, आप कल आइए, आप पढ़ाइए, फिजिक्स पढ़ाइए, मेरा सेम सब्जेक्ट पढ़ाइए, मैं तो ये बात बोलता हूँ, ताकि लोगों के बीच जो अंधकार फैला हुआ है वो मिट सके। क्योंकि फिजिक्स अपने आप में ताकतवर सब्जेक्ट है, जिसको अगर आप पढ़ते तो आपका जीवन पक्का सफल हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये रहता है, हाँ तो ये थोड़ा सा रहता है, मेरी बात ध्यान समझना। आप कहने का मतलब ध्यान समझो, हमें फोर्स फाइंड करना है, कोई बात नहीं, नॉर्मल करेंगे। अभी 2 मीटर लंबा है, ये एल की वैल्यू दी है, इसको चेंज कर लेते हैं, वर्ग मिलीमीटर है, तो देखो वर्ग को बेटा स्क्वायर कहते हैं और मिलीमीटर को 10^-3 कहते हैं। 10^-3 का स्क्वायर करेंगे, 10^-6 हो जाएगा, 2×10^-6, ये ए की वैल्यू निकल के आएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? जी भैया क्लियर हो गई। यू फाइंड द फोर्स, कैसे, ध्यान से समझना बेटा। आपको ये y की वैल्यू इतनी दी है, मैंने यहां पर रख ली 2.2×10^11 मैंने रख लिया। अब ये चीज आकर पूरी कहां ऐड हो जाएगी, यहां ऐड हो जाएगी, या आप चाहो तो इसको यहां ले लो, इसको यहां भेज दो। हाँ ठीक है, इसको यहां भेज देते हैं, ये हो गई। अगर इसको अलग उसमें लिखें ब्लैक में, तो इसको बेटा अगर ब्लैक से लिखें, ये हो जाएगा क्या, y बराबर F कैपिटल L, ये कैपिटल L मान लिया, और A इंटू डेल्टा L। ठीक है, चलो अब A का गुणा कराओ भैया, इधर A का गुणा, तो A की वैल्यू मैं सीधे रख दे रहा हूँ 2×10^-6,
फिर बेटा डेल्टा एल यानी लंबाई में वृद्धि, वो बेटा दिया 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 की जगह में पॉइंट हटा के माइनस 4 करे दे रहा हूँ, ठीक है। चलो जी भैया, अपॉन एल, अपॉन अब ये एल तो बचा और बराबर आ जाएगा एफ, अपॉन भैया एल, एल की वैल्यू आ गई 2, 2 से 2 ये मर गया, काम खत्म। अब आ गई बात इसकी भैया, अब क्या करोगे, अब जो करना होगा वो करेंगे। देखो 6 4 कितना, बोलो बोलो 10, और ये कितना है 11, तो ये इससे 11 की एक डंडी खत्म कर दो और इन सब की मंडी ठंडी कर दो, इन सब की मंडी ठंडी कर दी और 11 को 10 से खत्म करके एक डंडी कर दी, और बेटा हमने 5 का गुणा जैसे इसमें कराया तो बेटा 22 से गुणा करोगे तो इतना कुछ आएगा ना, अरे यही तो आएगा, पीछे एक दशमलव हो जाएगा, पीछे एक दशमलव होने से, या अगर तुम समझो मेरी बात समझो, इस यहाँ पे एक बचा है, इस दशमलव से इस एक को रिमूव कर दो, अगर ये आए तो ये हो गया 22 इंटू 5 लिख सकते हैं, और इससे हो जाएगा 10 एक हासिल लग गई, 10 एक हासिल 11, 111 आंसर आया। लेकिन क्या 111 यहाँ पर है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा आगे जब बढ़ाते हैं 1 2, तो 1.1 × 10^2 यानी डी नंबर आंसर लिख सकते हैं, डी नंबर आंसर लिख सकते हैं बेटा, नोट डाउन इसको बेटा, वो कर दो चार्जिंग में लगा दो मुन्ना। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में भाई, चलो अच्छी बात है अगर बात समझ में आ गई है तो, और ना ही हो तो बात अलग की है। चलो किया गया कार्य बताइए, वर्गडन पूछ रहा है, ऊपर खींचा जा रहा है, ऊपर खींचने के लिए प्लस, अब लेकिन इसको बेटा सॉल्व करोगे तो करने लगे होंगे तो वही तो नहीं करना है, इसको बेटा स्किप करना है, क्या करना है स्किप, 25 क्वेश्चन में 25 करने की कोशिश करोगे तो काम खराब हो जाएगा, ये करना है। देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, क्यों, इसका बेटा फॉर्मूला R बराबर एम जी प्लस ए होगा या जी माइनस ए होगा, तो वो हमको देखना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, लिखा है एक एलिवेटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जी त्वरण से जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो प्लस हो जाएगा यानी जी प्लस ए हो जाएगा, और ए भी कह रहा है कि जी त्वरण से जा रहा है तो ए का मान भी जी हो गया, R बराबर एम जी प्लस जी, तो R बराबर 2mg आंसर होगा डी नंबर, आंसर होगा बेटा डी नंबर, चलिए छाप लीजिए, ठीक है। तो देखो मैं यही कहूंगा, बराबर लगातार मेहनत करते अगर पढ़ते रहोगे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारी सफलता में बाधा बन सके या तुम्हारी तैयारी को ब्रेक कर सके। सुबह की जो क्लास हो रही है, सुबह जो कॉन्सेप्ट क्लास हो रही है हमारे बीच, जो कॉन्सेप्ट क्लास हो रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें सभी को पार्टिसिपेट करना है, उसके जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ टॉपिक वाइज वो भी देखनी है, कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूँ देन प्रैक्टिस भी कराता हूँ, सर्कुलर मोशन मैंने आज करा दिया, कल सर्कुलर मोशन की प्रैक्टिस भी है, और कुछ टॉपिक जो थोड़ा बहुत बच गया वो भी मैं कराऊंगा। देन ICG वाले बच्चे क्वेश्चंस को बेटा ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करें, इफ़ यू फोकस ऑन ICG, और मैं बात कहता हूँ अगर ICG की तैयारी करो, एक डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हो तो बेटा ये ICG ना करके आप अगले ICG की तैयारी करें, अगर आपको प्योर सिलेक्शन चाहते हो तो, और अगर पहले पढ़ चुके हो देन रिवीजन आप करके ये चीजें कर सकते हो। चलो और ICG के लिए मैं एक वन शॉट लाऊंगा, वन शॉट का मतलब एक ही वीडियो में सब पूरा खत्म करने के, उससे ठीक है फिर तो, फिर जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना YouTube चैनल। मैं मिलता हूं आपको कल सुबह 10 बजे, जब तक के लिए जय हिंद।